तीन लड़के आए, आते ही उन्होंने, ये हरीश जी का गेट बंद था, इसके यहाँ से इंटे मारी, पैर से टक्कर मारी और ऊपर गोली चला के गालियां देने लग गए। उनका गेट बंद था और उसके बाद भागे यहाँ पे, ये इन्होंने देखा भी है, ये जगदीश जी थे यहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने देखा भी, सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज भी आ चुके हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, पदमपुर की आशापुरा कॉलोनी में फायरिंग, दो अज्ञात कार सवार युवकों ने दुकान के मुनीम के घर पर किए फायर। जिले के पदमपुर की आशापुरा कॉलोनी में रविवार शाम को फायरिंग हो गई। पीड़ित पदमपुर के बाजार में एक दुकान में मुनीम का काम करता है। कार सवार तीन युवक उसके घर आए और गेट खटखटाने लगे। जब पीड़ित के परिवार के लोगों ने गेट नहीं खोला तो आरोपियों ने मकान पर पत्थर फेंके, इसके बाद फायर भी किए। आरोपी तीन थे और कार में सवार होकर आए थे। मकान मालिक ने किसी पर संदेह नहीं जताया है। उनका कहना है कि उसका किसी से भी कोई विवाद नहीं है, ऐसे में उसके घर पर फायरिंग समझ से बाहर है। उसने आशंका जताई है कि आरोपी संभवतः पड़ोस के किसी अन्य परिवार में रंजिश के चलते हमला करने आए थे, लेकिन चूक हो जाने से इन लोगों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। पदमपुर की आशापुरा कॉलोनी में रविवार शाम करीब 4:45 बजे कार पर सवार होकर तीन युवक हरीश कुमार पुत्र कुंदन लाल के घर के बाहर रुके। हरीश पदमपुर के व्यापारी भूषण कुमार की दुकान पर मुनीम की नौकरी करता है, ऐसे में वह घटना के समय दुकान गया हुआ था। उसकी दो बेटियां और एक बेटा ही घर पर थे। इसी दौरान अज्ञात युवकों ने कार से उतरकर दरवाजा जोर से खटखटाया। इतनी तेज आवाज सुनकर घर में बैठे हरीश कुमार का बेटा और बेटियां घबरा गए और उन्होंने गेट नहीं खोला। इस पर आरोपियों ने पास में पड़े पत्थर उठाए और गेट पर मारने शुरू कर दिए। इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने गेट पर फायर किए और भाग गए। इस दौरान घर में बैठे हरीश के बेटे ने घटना की सूचना हरीश को दी। हरीश कुमार ने इस बारे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचने तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। जहां तक मुझे यह लगता है कि यह आरोपी छुपने की फिराक में आए थे। पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार के दरवाजा नहीं खोलने से फायरिंग से किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। पुलिस की रिपोर्ट में हरीश कुमार ने आशंका जताई है कि आरोपी रंजिश के चलते किसी पड़ोस के घर पर हमला करने आए थे, चूक हो जाने से उन्होंने उसके घर फायरिंग कर दी। पीड़ित हरीश कुमार का कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं है, ऐसे में उसके परिवार पर फायरिंग होना समझ से बाहर है। जहां तक मुझे लगता है कि यह आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आए थे और छुपने की फिराक में थे और उन्होंने गेट खटकाया और ईंटें फेंकी और फिर फायरिंग की कि गेट किसी तरह खुल जाए, लेकिन गेट खुला नहीं और आरोपी फरार हो गए। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।